तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कमर तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2000 का नोट बंद कर दिया। आरोप वो लगाया जाता है जिस जो जनता को पता ना हो, ये तो पता है, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ जो है। देखिए ऐसा है, पैसा आप खर्च करिए आपका भी परचम लहरा जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। मतलब आप ये कह रहे हैं लोग हैं पेड़ लोग हैं। बिल्कुल सब जो वो लोग बहुत स्ट्रांग है उनका, जैसे देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं और जो उनका मीडिया वो नहीं आ रहा है, आप जैसे पत्रकार आ। मैं समझता हूँ कि बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, और किसी और व्यक्ति होता, अगर वो व्यक्ति बीजेपी का सांसद नहीं होता, कांग्रेस का सांसद होता, तो क्या भाजपा के नेता ऐसे व्यवहार करते? बस ये सवाल है उनसे। वो चिप तो देखिए वो क्या है, वो उसकी चिप की वैल्यू 5000 रुपये हुआ करती थी और पाकिस्तानी लोग निकाल के उसको बेच देते थे 5000 में। सुधीर जी ने ऐसा बताया था, श्वेता जी ने बताया था। देखिए मैं मानता हूँ वो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गलती स्वीकार की है, क्योंकि 2000 का नोट गलती ही थी। ऑब्वियसली बात है, अगर 1000 रुपए के नोट से करप्शन होता है तो 2000 से करप्शन डबल ही होगा। और जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण, लोग लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के कारण कर्जे के दल में फंसे, उन्होंने व्यापार, पहले भी लोग कर्जा लेते थे लेकिन व्यापार चल रहा था तो वो चुका देते थे, अभी क्योंकि व्यापार चल नहीं रहा है तो दिक्कत आ रही है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है, छत छीनी जा रही है, जब माता पिता का साया ही नहीं रहा, तो कमाने वाला नहीं रहा, तब तो लोन माफ कर दूं। नमस्कार, मैं शिखा सिंह, आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। मैं अभी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये पोस्टर देख सकते हैं, निशुल्क कर्ज मुक्त भारत अभियान। जो व्यक्ति अभी दिख रहे हैं, इनका नाम शहनवाज चौधरी है और ये इस अभियान को जो है गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुहिम है और इसका क्या मकसद है। देखिए ऐसा है, वो लोग जो नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन कारण कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उनकी कर्जा माफ़ी के लिए अभी अभियान चल रहा है। अभी हम लोग 7 बार वित्त मंत्रालय जा चुके हैं, वित्त मंत्रालय को डेलीगेशन गया, 4 बार पीएमओ गए हैं, वहाँ पर डेलीगेशन दिया, लेकिन वहाँ पर कोई भी जवाब संतोषजनक ना आने के कारण हमने तय किया हम जनता के बीच जाएँ। दिल्ली NCR के लोगों को बुलाया गया, अभी हमारे साथ 3.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं। हमारी कोशिश है, सरकार जब बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर सकती है तो आम जनता क्यों नहीं, आम जनता कर्जा सरकार को माफ़ करना चाहिए। लेकिन जब कर्ज लिया है तो चुकाना भी तो चाहिए। वो सही बात है, लेकिन जो व्यक्ति मर गया, एक्सपायर कर गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घर से बाहर निकाला जा रहा है, छत छीनी जा रही है, जब माता पिता का साया ही नहीं रहा, तो कमाने वाला नहीं रहा, तब तो लोन माफ़ कर दो, कम से कम उनका लोन माफ़ कर दो। और जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण, लोग लॉकडाउन, नोटबंदी, जीएसटी के कारण कर्जे के दल में फंसे, उन्होंने व्यापार, पहले भी लोग कर्जा लेते थे लेकिन व्यापार चल रहा था तो वो चुका देते थे, अभी क्योंकि व्यापार चल नहीं रहा है तो दिक्कत आ रही है। लोग सरकार की गलत नीतियाँ मतलब नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। नोटबंदी से तो काला धन निकला है। नहीं ऐसा नहीं है, आपके हमारे घर में जो धन था वो अनअकाउंटेड मनी था, वो काला धन नहीं था। काला धन वो है जो बड़े बड़े उद्योगपति लेकर भाग गए। 1-2 लाख रुपए को काला धन नहीं कहा जाता, वो अनअकाउंटेड मनी होता है। और मैं समझता हूँ कि जो व्यापार बंद हुए, व्यापारी यहाँ जो लोग आए उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे। ज़्यादातर व्यापारी ने बताया नोटबंदी के कारण उनका व्यापार बंद हुआ, कुछ लोगों ने कहा GST लगाने के कारण हुआ, और मैक्सिमम ने कहा लॉकडाउन के कारण, तो वो तबाह हो गए। तो मेन ये सरकार की नहीं। कितने कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं? अभी पूरे इंडिया से लोग हैं, हमारे साथ 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग वित्त मंत्रालय और पीएमओ डेलीगेशन दे चुके हैं, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि 2000 का नोट फिर से बंद कर दिया गया, वैसे तो 2008 से 2018 से छपना बंद हो चुका था, लेकिन अभी 31 या 30 मई तक का मतलब दिया हुआ है कि अभी तक जमा कराएं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं मानता हूँ वो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गलती स्वीकार की है, क्योंकि 2000 का नोट गलती ही थी। ऑब्वियसली बात है, अगर 1000 रुपए के नोट से करप्शन होता है तो 2000 से करप्शन डबल ही होगा, ये बात आज उन्हें पता चली। वो चिप तो देखिए वो क्या है, वो उसकी चिप की वैल्यू 5000 रुपए हुआ करती थी और पाकिस्तानी लोग निकाल के उसको बेच देते थे 5000 में। सुधीर जी ने ऐसा बताया था, श्वेता जी ने बताया था। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कमर तोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2000 का नोट बंद कर दिया। लेकिन आपने देखा, मोदी जी पे आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आपने देखा अभी जापान गए हुए मोदी जी और बहुत उनका परचम लहरा रहा है विश्व में। देखिए ऐसा है, पैसा आप खर्च करिए आपका भी परचम लहरा जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप ये कह रहे हैं लोग हैं पेड़ लोग हैं। बिल्कुल सब जो वो लोग बहुत स्ट्रांग है उनका, जैसे देखिए यहाँ हम लोग बैठे हैं और जो उनका मीडिया वो नहीं आ रहा है, आप जैसे पत्रकार आ रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं वो लोग आ रहे हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारे पास पैसे देने के लिए है नहीं, वो नहीं आएंगे। तो आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि पैसे खर्च करके लोकप्रिय। आरोप वो लगाया जाता है जिस जो जनता को पता ना हो, ये तो पता है, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ जो है। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, और किसी और व्यक्ति होता, अगर वो व्यक्ति बीजेपी का सांसद नहीं होता, कांग्रेस का सांसद होता, तो क्या भाजपा के नेता ऐसे व्यवहार करते? बस ये सवाल है उनसे। और किसी की भी बहन बेटियों के साथ गलत हुआ है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कहते हैं अगर इसमें मुस्लिम होते तो कुछ और होता नजारा। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं समझता हूँ तो बीजेपी के लोग बोलेंगे हर चीज़ को, यहाँ भी वो बोल देंगे कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए, लेकिन अब जनता समझ गई है जो हिंदू है उसको वोट दे करके भाजपा को कोई लाभ नहीं हुआ, हाँ भाजपा को उसके वोट से सरकार बन जाती है, ये बात जनता समझ चुकी है। तो अब इस बार लगता है भाजपा को करारा जवाब मिलेगा? नहीं, कंफर्म है, नरेंद्र मोदी जी रिपीट नहीं करने वाले।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये शहनवाज चौधरी जी हैं और कर्ज बहुत सारे लोग होते हैं जो बाइक घर और तमाम चीज़ें लेने के लिए लोन लेते हैं सरकार से बैंकों से और नहीं चुकाने पे बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जब बैंक के अधिकारी आते हैं यहाँ पे तो लोग नहीं सह पाते उस चीज को और आत्महत्या कर लेते हैं। उसके खिलाफ ये लोग अभी आंदोलन पे हैं और एक सवाल और पूछेंगे, कब तक आप लोग ये आंदोलन करेंगे? ये आंदोलन अभी तो आज का एक दिन का साकेतिक भूख हड़ताल है हमारी, बाकी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इसको आगे बढ़ाएं। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि आज एक दिन का भूख हड़ताल है और आगे सरकार नहीं सुनेगी तो हम आगे इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। आप लोगों ने भी कर्ज लिया होगा, आप अपनी जो एक्सपीरियंस है आप क्या महसूस करते हैं जब कोई अधिकारी बैंक से आता है, जब आपने किसी न किसी वजह से आपने कर्ज लिया होगा और जब अधिकारी आते हैं तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं और आप में से कितने लोगों ने कर्ज लिया है और सरकार की तरफ से कितना टॉर्चर आपको किया जाता है, बैंक अधिकारियों की तरफ से कितना टॉर्चर किया जाता है? पूरी राय, अपनी जो राय है, अपना अनुभव है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।